न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है, कानपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। कानपुर में हुई घटना को डिप्टी सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और उन्होंने कहा है कि जांच उच्च स्तरीय कराएंगे, मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और कानपुर में हुई घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है, बेहद दुखद बताया है। डिप्टी सीएम ने भूमाफियाओं पर भी कहा है कि भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कानपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। डिप्टी सीएम ने भूमाफियाओं के बारे में भी कहा है कि भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं। कानपुर में हुई मां बेटे की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बताया और कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी को राजनीति न करने की उन्होंने सलाह भी दी है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम प्रतापगढ़ में सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कानपुर की घटना पर बयान दिया, उन्होंने कानपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार के निर्देश पर नहीं चलता है, माननीय न्यायालय कानून के अनुसार किए गए अपराध के क्रम में सजाएं देता है और अगर कोई गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, और अगर राजनीति में भी कोई व्यक्ति है तो उसे भी संयम की ज़रूरत है। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता है कि सड़क जाम करना या जो मन में आया वो बयान देना, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं उसका सम्मान करना चाहिए सबको, और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं। एक देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाला संगठन था, उसे प्रतिबंधित किया गया है, और अगर सिमी का ही ये बदला हुआ रूप था जिसने अनेक देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया है, तो माननीय गृहमंत्री जी ने जो कह दिया उस पर मैं बयान दूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सहभाग किया है और उन बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, मैं भी उन्हें शुभकामना देता हूँ, आप सब लोग भी शुभकामना दें। प्रतापगढ़ के बच्चे देश और दुनिया का खेल हो तो उसमें पदक जीत करके प्रदेश के लिए लाऊं। अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार, देखिए श्री अखिलेश यादव जी 5 साल पहले सरकार में नहीं थे, 5 साल हमारा दूसरा कार्यकाल है, अभी 5 साल चल रहा है और आने वाले 25 साल तक वो सरकार में आने वाले नहीं है, तो ये सपना उनको आता रहेगा। अब सपना देखना तो आप भी सो जाओगे, आपको भी दिखेगा तो उनको भी दिख रहा, तो मैं क्या करूँ। कानपुर प्रकरण भी क्या कहेंगे सर? वो दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी जाँच बहुत उच्च स्तर पर की जा रही है, मुकदमा दर्ज है, निष्पक्ष जांच करा करके कठोर कार्रवाई करेंगे। हम भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं। न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच।